ओके सो इसके लिए पहले आ जाओ अपने कैपकट एप्लीकेशन में, सिंपली इसको ओपन करना। उसके बाद अपने वीडियो क्लिप को यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड करना। एंड आप लोग कभी कुछ इस तरह का ही वीडियो क्लिप शूट करना है, जैसे यहाँ पे देख लो काफ़ी स्मूथ है, तो कुछ इस तरह का ही शूट करना है, या फिर जैसे आप लोगों ने देखा था अभी प्रीव्यू में वैसा भी शूट कर सकते हो, वैसे वैसे बेटर रहेगा, तो वैसे शूट करना। उसके बाद हम चलते हैं, पहले हम यहाँ पे ऑडियो को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करना ऐड ऑडियो में। उसके बाद गैलरी में जाके आप लोग को इस वाले रील से ऑडियो निकालना, बाकी इस वाले रील्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आपका पे क्लिक करना है इस ऑडियो पे, उसके बाद आप क्लिक करना है बिट्स में। एंड पहले हम यहाँ पे बिट्स जनरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करना ऑटो जनरेट में। एंड आपका पे ऑटोमेटिकली बिट ला के दे देगा, आपका पे पूरा फुल करना है इसको, इसके ऊपर आप फुल कर देना, तभी आपका पे बिट्स दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे बिट्स आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे सारे बिट्स को नहीं रखना, जो भी हमारा काम का बिट है बस उसे रखना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, ओके तो हमें बस यहाँ तक रखना है, यहाँ तक और यहाँ तक, ओके। बाकी हम सारे बिट्स को हटा देंगे, एंड पहले आ जाओ फर्स्ट में, एंड इसको भी हटा देंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ 4 बिट रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लास्ट एडिटिंग सीखना है, बाकी को नहीं सीखना, बाकी तो आप ऐसे भी जान लेते हो, बट जो मेन काम है बस हमें उसे करना। उस बस हम इसको हम टिक कर देंगे, एंड टिक करने के बाद यहाँ पे देखना कि 4 बिट्स कहाँ पे है। तो हमारे स्टार्टिंग पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, तो यहाँ तक आ जाना। एंड बाकी फालतू जो आपका म्यूजिक होगा उसमें प्लीज कट कर देना, ओके, ताकि डिस्टर्ब ना हो, उसमें कट कर देंगे। एंड वीडियो क्लिप के भी यहाँ पे ला के कट कर देंगे, ओके, फालतू पार्ट को। ओके सो कुछ इस तरह का हमारा फाइनल क्लिप रहेगा, तो पहले हम इसको जूम आउट करते हैं, फिर एक बार देख लेते हैं कैसा है। ओके परफेक्ट, तो पहले हम इसको जूम करते हैं दोनों फिंगर से। उसके बाद पहले यहाँ पे आ जाना फर्स्ट वाले बीट मार्क्स में, सिंपली यहाँ पे आ जाओ एंड बीट मार्क्स के जस्ट हल्के से आगे बढ़ जाना यहाँ पे। उसके बाद क्लिक करना अपने क्लिप में, उसके बाद क्लिक करना आपके यहाँ पे प्लस में, की फ्रेम एड करना है एक बीट के आगे एक बीट के पीछे, ओके। उसके बाद जस्ट इसके हल्का सा आगे आ जाओ यहाँ पे, एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, ओके। उसके बाद अभी आपके यहाँ पे जहाँ पे भी आपको डालना होगा ना वो वाला इफेक्ट, बोले तो ब्लास्ट इफेक्ट, उस तरह आपके यहाँ पे जूम करना। तो जैसे मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ला कर जूम करना, मतलब यहाँ पे ब्लास्ट करना यहाँ पे, तो सिंपली इसको हम इतना कर देंगे, मतलब यहाँ पे, ओके। उसके बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर से आ जाओ पे सेकंड वाले बीट मार्क्स पे, एंड ऐसा ही करना यहाँ पे सेम, हल्का से पीछे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, एंड जस्ट इसका हल्का सा आगे बढ़ जाओ, एंड फिर से यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, एंड फिर से आपका जहाँ पे भी आपको ब्लास्ट इफेक्ट डालना हो सिंपली वहाँ पे रख देना। तो इस बार हमें यहाँ पे पीछे डालना है, तो हम इसको हल्का सा आगे कर देंगे, ओके। मतलब कि आपको ब्लास्ट को ट्रैक करना है, एंड जिधर भी ब्लास्ट होगा उस साइड आपको की फ्रेम के थ्रू आपको रखना है उस पोजिशन को, ओके। जैसा आप देख लो कुछ इधर से मेरा पे बन चुका है। उसके बाद इस क्लिप को पहले एक्सपोर्ट कर लो, तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करना ऊपर में, एंड पहले हम इसका क्वालिटी को हाई कर लेंगे, अरे भाई, उसके बाद सिंपल इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ओके। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद आपको फिर से बेक आना है, बेक आ जाना। उसके बाद आप क्लिक करना ओवरले में, एंड अभी आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना प्लस में, और गैलरी में जाकर फिर से इसी क्लिप को ऐड करना, ओके। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसीलिए ऐड किया ना, क्योंकि हम इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम इरेज करने वाले हैं, एंड ऐसे में प्रॉब्लम आ रहा था, अगर इसको हम कॉपी करते हैं फिर ओवरले करते तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके बाद आपको पे क्लिक करना है बेसिक में, इस लेयर वाले क्लिप में क्लिक करने के बाद बेसिक में क्लिक करना, एंड स्केल में आके इसको पहले हम 100 कर लेंगे ताकि पूरा फिट हो जाए, उसके बाद सिंपल इसको हम डन कर देंगे, ओके। एंड अब यहाँ पे देखो पूरी तरह से मैच हो गया, ओके। उसके बाद आपको पे क्लिक करना है इस लेयर वाले क्लिप में, उसके बाद आप क्लिक करना कट आउट में, उसके बाद आप क्लिक करना कस्टमाइज कटआउट में, एंड पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं इस बाइक को, हल्का सा ड्रॉ करना, तब आपका ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद सिंपली आप क्लिक करना डन में, तो आपके ये कंटिन्यू कर देगा। उसके बाद हम इसका जो ऑडियो है इसको हम जीरो कर देंगे, पहले आप क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना वॉल्यूम में, एंड इसको जीरो कर देंगे, एंड डन कर देंगे, ओके। उसके बाद पहले जहाँ पे फर्स्ट वाले बीट मार्क्स में सिंपली यहाँ पे आ जाना यहाँ पे, उसके बाद आपका पे क्लिक करना है ओवरले में, उसके बाद अपने गैलरी में जाके और इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड करना है, रॉकेट ब्लास्टिंग वाला को, सिंपली इसको आप ऐड करना। एंड ये मैंने खुद से बनाया, खुद से बनाया मतलब कि थोड़ा सा ताल झाल किया भाई तभी इतना बनाया। उसके बाद आपका पे इसको जूम करना है, पहले तो आप देख लो कि कितना ब्लास्ट हो रहा है, मतलब कहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरह से ब्लास्ट होगा। एंड इसको आपको बीट में लाना, मतलब कि जहाँ पे भी ब्लास्टिंग वाला सेक्शन है उसको आपको ड्रैग करना है एंड इस बीच में लाना है। अगर आगे पीछे ज़्यादा लेंथ हो गया होगा तो उसको आप कट कर दे सकते हो, जैसे कि इसको हम इतना सा कट कर देंगे, ओके।
एंड आगे हम हल्का सा और करते कर देंगे एंड इसको हम रख देंगे यहाँ पे। ओके उसके बाद इसको पहले जूम करना है, इसमें क्लिक करना है इस क्लिप में एंड इसको हम पहले जूम कर लेते हैं एंड जिधर भी आपको रखना भाई, मतलब कि जिधर भी आपको इस ब्लास्ट वाले क्लिप को यूज करना, जिधर भी आपको ब्लास्ट करना उस तरफ आपको रखना भाई, इसका रोटेट करना हल्का सा, हो नहीं रहा कोई बात नहीं, आपका आ जाना यहाँ पे बेसिक में एंड बेसिक से आपको इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना रोटेट में एंड इसको हम कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे एंड सिंपली इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके उसके बाद सिंपली इसको डन करना एंड डन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना पे कट आउट में, उसके बाद क्लिक करना क्रोमा की में एंड पहले हम यहाँ पे कलर पिकर से ग्रीन कलर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटेंसिटी में एंड इसको हम बढ़ा देंगे एंड उतना बढ़ाना जितना आप लोग का जो ग्रीन पॉइंट है, जो भी आपको दिख रहा हो ग्रीन ग्रीन, वो ना दिखे उतना एंड हल्का सा यहाँ पे क्लिक करना शैडो में, हल्का सा नहीं शैडो में क्लिक करना एंड इसको भी अब बढ़ा देना। बट अगर ग्रीन पार्ट आएगा ना तो उसको हम लास्ट में कलर ग्रेडिंग करके उसको हम हटा देंगे, हल्का फुल्का तो आएगा ही भाई, ग्रीन स्क्रीन है एंड पूरा हमारा बैकग्राउंड जो है उतना परफेक्ट नहीं है, तो सिंपली इतना तो आएगा ही। उसके बाद सिंपली इसको हम डन करते हैं एंड डन करने के बाद हम इसको हम प्लस करेंगे। ओके यहाँ पर देखो तो पहले आ जाओ बीट में गाइस एंड बीट के सामने आके आपका पे दिखना कि किस पोजीशन पे जूम हो रहा है एंड जिधर पे जूम हो रहा होगा उस पोजीशन पे आके आप लोग को इस वाले रॉकेट को फिट कर देना है, मतलब कि इस ग्रीन स्क्रीन को एडजस्ट करना। आप लोग एडजस्ट ना यहाँ पे क्लिक करना इस बेसिक में एंड यहाँ से आप लोग इसको रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से एंड स्केल पे जाके इसका बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ओके तो इतना करना, उसके बाद सिंपली इसको आपको यहाँ पे प्लेस कर देना सही जगह पे जहाँ पे भी आपको चाहिए उस तरह का इफेक्ट, तो मुझे जैसे कि यहाँ पे रखना। ओके सिंपली यहाँ पे रख के सिंपली इसको हम डन कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके उसके बाद आपको पे क्लिक करना है इस क्लिप में, उसके बाद सिंपली आपको आ जाना यहाँ पे लेयर में, उसके बाद सिंपली इसको कर देना फास्ट। ओके एंड इसको डन कर देना। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखो ओके उसके बाद सिंपली इसको कॉपी करना एंड कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पे आगे चिपका देना, मतलब कि आपको हर बीट में ऐसा ही करना है। इसके अगले वाले बीट में जाना, उसके बाद पहले हम इसको बीट में लाते हैं पहले सही जगह पे, मतलब कि कहाँ पे हो रहा है, मतलब इफेक्ट लग रहा है, तो सिंपली उधर भी इसको हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका भी हम पे बेसिक में जाके एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करना बेसिक में, उसके बाद यहाँ पे आ जाना स्केल में एंड आप लोग यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके बाद आप क्लिक करना रोटेट में एंड इसको आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको रख देना। ओके बाकी इसको भी हम डन करते हैं एंड डन करने के बाद आप फिर से यहाँ पे क्लिक करना लेयर में एंड इसको भी कर देना फास्ट। तो सेम इस तरह से आपको पे हर एक बीट मार्क्स पे करने हैं एंड हर एक जहाँ पे भी आपको इस तरह का फायर इफेक्ट चाहिए सिंपली यहाँ पे आपको इस तरह से करते जाना। तो जल्दी से हम कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हर बीट में सेम स्टेप फॉलो करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, जिससे आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से हल्का सा लैग कर रहा है बट काफ़ी मस्त बना। ओके उसके बाद गज अभी भी अगर मान लो कि अगर आपको किसी भी इफेक्ट को गाड़ी के आगे लाना, मतलब कि फ्रंट में लाना, तो उसके लिए आप क्या करना है देखो, पहले आप क्लिक करना है इस क्लिप में ग्रीन स्क्रीन में, उसके बाद आप क्लिक करना लेयर में एंड लेयर में क्लिक करने के बाद मान लो कि इस क्लिप को गाड़ी के पीछे ले जाना तो इसको वन कर देना। ओके तो आपका ये जो इफेक्ट है पीछे दिखेगा, अगर मान लो कि इसके फ्रंट में लाना तो इसको टू कर देना। ओके तो इसको डन कर देना, उसके बाद सिंपल सा जहाँ पे फर्स्ट वाले बीट मार्क्स में गए सिंपल से यहाँ पर आ जाना, उसके बाद आ जाओ पे इफेक्ट में, उसके बाद आप क्लिक करना वीडियो इफेक्ट में एंड अभी आपका पे ऐड करना सेक इफेक्ट, तो आप क्लिक करना एंड ऐड करना आपका यहाँ पे सेक इफेक्ट, सिंपली इसमें क्लिक करना एंड डबल टैप करके इसका जो स्पीड है आपको रखना है अप्रॉक्स 25 एंड इंटेंसिटी अप्रॉक्स 70 to 75 to 80 रख सकते हो, 70 रखते हैं 75। ओके बाकी इसको हम डन करते हैं, उसके बाद इसका जो लेंथ है आपको पूरा कम करना, पूरा हम काम कर लेंगे सिंपली आपको जहाँ पे भी वो जो इफेक्ट लगता है, मतलब बोले तो ब्लास्ट होता, बस वहीं पे आपको हल्का सा सेक इफेक्ट लगाना है जैसे कि बीट मार्क्स पे। ओके तो हल्का सा और बढ़ा लेंगे इतना सा, उसके बाद आप क्लिक करना ऑब्जेक्ट में, उसके बाद यहाँ पे कर देना ऑल वीडियोज़। ओके एंड डन कर देना तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके उसके बाद सिंपली इसमें क्लिक करना एंड इसको कॉपी करना एंड कॉपी करके आपका पे हर जो बीट मार्क्स है सब में चिपका देना, इसमें भी पीछे इसमें कॉपी करना आगे ले आना एंड इसमें भी चिपका देना।
तो कुछ ही तो सबका बन जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो फिर से। उसके बाद आप चलते गए जिन, अब आप ऐड करने वाले कलर ग्रेडिंग। तो पहले जो स्टार्टिंग में, उसके बाद आप क्लिक करना फिर से वीडियो इफेक्ट में, एंड ऐड करना पे प्लस वाइब्रेशन सिम्बल्स में क्लिक करना, एंड डबल टैप करेंगे। फिर उसके बाद रेंज को अभी रहने तो पहले, पहले इसका जो स्पीड है प्लस 0 करते हैं। उसके बाद इसका जो कलर है, इसको हम हल्का सा जो है गोल्डन कलर में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फायर हो रहा है। ओके, तो फायर कलर में आपको रखना है अप्रोक्स इतना। उसके बाद रेंज को कम कर देना, नहीं रेंज सही है। ओके, बाकी इस एटमॉस्फेयर को भी बढ़ा देंगे पूरा, ग्लो को कम करेंगे अप्रोक्स इतना। उसके बाद सिम्पल्स को हम डन कर लेते हैं, एंड डन करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। ओके, उसके बाद आप क्लिक करना ऑब्जेक्ट में, उसके बाद आप कर देना अप्लाई ऑल वीडियोस, एंड डन कर देना। उसके बाद इसको हम पूरा घिस के इन तक कर देंगे। ओके, आप देखते हैं मसाला गाइस की क्या मसाला यहाँ पे लगा है, मसाला क्या लगा है, मसाला नहीं ब्रो, मसाला सब सही है। ओके, काफ़ी मस्त बना गाइस, बस एक ही बात है ना कि यहाँ पे लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा इफेक्ट लग चुका है ना, मतलब कि जैसे यहाँ पे आप दो तीन इफेक्ट लगाते हो ना, मतलब भाई कैपकट का फट जाता है आग तरह से, पूरी तरह से। ओके, तो पहले इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, बट हाँ फाइनली बन चुका है। एंड अगर मान लो आप लोग यहाँ तक देखे हो भाई, अगर आप लोग इतना टाइम दिए हो तो रिजल्ट देखना भी बनता है, तो पहले इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कम भाई इतना करते हैं एंड एक्सपोर्ट। ओके, बाकी पहले देख लो भाई, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार क्या बना दिया। बट हाँ, वो जो आप लोगों ने देखा था प्रीव्यू में, वो वीडियो बना था आफ्टर इफेक्ट से, और हम लोगों ने बनाया कैपकट से, डिफरेंस है भाई, बट कोई ना, देखते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। 3 2 1 स्टार्ट। सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑडियो को ऑन नहीं किया, सुन लो कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 सेकंड का क्लिप है। ओके, बहुत ही मस्त बनेगा, बहुत ही मस्त, इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल था, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय टाटा।